और एजल जैसे आपको पता है वो मेरे बिना उन लोग नहीं रहते, और अब्बास और इंसिया और सारे फैमिली मेंबर तो होटल्स में रुके, होटल्स भी बुक किया था हमने, और फिर बाद में अभी हॉस्पिटल आ गए हैं फाइनली। जो सफ़र करते हुए मैं आई हूँ, फैमिली के साथ कभी भी हम घूमने फिरने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो सफ़र एक्चुअली बहुत जल्दी कट जाता है, लेकिन ये सफ़र मेरे लिए बहुत ही कठिन था। और बस ये देखो सारी चीज़ें में हम लग पड़े थे, और ये ब्लड सैंपल वगैरह ले रहे थे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगते जा रहे थे मुझे। मतलब मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी दुख तकलीफें ही लिखी हुई है, मतलब तकलीफ तो बोलते ना, तकलीफ जिसे बोलते ना, क्या बोलूँ, वर्ड नहीं है उसके लिए। दुख तो ये चीज़ का है कि भाई पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और तकलीफ़ें ये सब चीज़ों को, मतलब जैसे बॉडी को ही मेरी तकलीफ हो रही है, जैसे मैंने मतलब हमेशा दूसरे लोगों के बारे में ही सोचा, कभी अपने लोग अपने बारे में नहीं सोचा, इसलिए आज मुझे तकलीफ़ हो रही है मेरी बॉडी को, समझ सकते हो आप लोग। और बस ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हो रही थी, मैं डर रही थी, ब्लड लेके वो चले गए थे अभी MRI के लिए भी जाना था, तो मुझे वही बोलने आए थे भाई कि थोड़ा भी आप आराम कर लो और उसके बाद मैं आता हूँ और फिर आपको MRI कराने लेके जाएगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, तो मैं लेट के वही सोच रही थी क्या होगा, और मैं काफ़ी सवाल जवाब मेरे चल रहे थे डॉक्टर्स को, नर्स को, कि क्या होगा क्या नहीं, सब परेशान हो चुके थे मेरे से 5-6 घंटे में ही। मेरी दुख मेरी तकलीफ में बस ये जो बच्चे ना मेरे, यही काम आएंगे, और यही मेरे बच्चे को, बच्चे लोगों को देख देख के मुझे हिम्मत आ रही थी। और यहाँ पर फाइनली अब्बास मम्मी जो नहीं आ पाए थे हम लोग की, क्योंकि बस फुल हो चुकी थी, जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया तो इन लोग दूसरी बस से आए हैं, और काफ़ी लोग आए थे, और यहाँ पर दवा वगैरह भी मेरी जो जो मंगाए थे डॉक्टर लोगों ने, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके हिसाब से इन लोगों ने दवा मंगाई, क्योंकि वो देखने के बाद ही सारा प्रोसीजर, इन लोगों ने बोला था पहले हम आपके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको ऑपरेशन करा, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि उसके पहले हमें सारी चीज़ें देखनी होती है कि किसको कुछ, जैसे कि कुछ है तो नहीं तकलीफ वगैरह, ऑपरेशन के पहले हमें वो सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट में चेक करनी होती है, जैसे पता नहीं काफ़ी सारे CBC और शुगर टेस्ट और सारे टेस्ट, मतलब कम से कम 6-7 टेस्ट इन लोगों ने किए थे। तो ये सब टेस्ट करने के बाद इन लोगों ने बोला कि ठीक है जो भी है उसके हिसाब से इन लोग दवा पहले लगाना पड़ेगा इन लोगों को, उसके बाद कुछ टाइम बाद ये लोग मुझे ऑपरेशन करने लेके जाएंगे। और यहाँ पर मैंने जो फेस हाइड किया था डॉक्टर लोगों का, क्योंकि उन लोग कैमरे में नहीं आते हैं, उन लोगों ने मुझे पहले ही बोला था कि कैमरे में हमारा फेस नहीं लेना, इसके लिए सारे डॉक्टर्स के फेस मैंने हाइड किया है। और यहाँ पर मेरे को इतना दर्द हो रहा था, मैं डॉक्टर्स लोग को बहुत ज़्यादा हैरान कर दी थी, परेशान कर दी थी, और सुई पे सुई मुझे लग रही थी और मेरी नस भी नहीं मिल रही थी। मेरे सवालात से डॉक्टर्स नर्स सारे परेशान हो रहे थे, मैं सवाल जवाब काफ़ी कर रही थी ना उन लोगों को, और मैं पूछ रही हूँ ये क्यों लगा रहे हो आप लोग अभी से ही, ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद लगाओ, तो नहीं नहीं ये लगाना पड़ेगा, आपकी रिपोर्ट आई है ना तो उसके हिसाब से थोड़े आप कमजोर हो, उसमें हमको थोड़ी मेडिसिन आपको पहले चढ़ानी पड़ेगी। तो उन लोग ने कुछ मेडिसिन वगैरह जो भी होती है उन लोग का प्रोसीजर उन लोग के हिसाब से उन लोग कर रहे थे ट्रीटमेंट, और उसके बाद फिर उन लोग ने बोला था कुछ टाइम बाद थोड़ी दवा आपके बॉडी में जाने के बाद हम आपको फिर बाद में सारा प्रोसीजर होगा आपका, डॉक्टर्स आएंगे फिर आपको समझाएंगे, उसके बाद हम आपको ऑपरेशन के लिए लेके जाएंगे, ऐसा इन लोगों ने बोला। और ये सलाइन वगैरह जो चढ़ा रहे थे इसमें तो मेरे को इतना मतलब पेन हो रहा था कि मैं क्या बोलूँ, सब तरफ पेन ही पेन, क्योंकि सुबह से जब से मैं हॉस्पिटल में आई जब से मुझे खाली पेन ही पेन हो रहा था, सिर्फ इंजेक्शन ही सब तरफ से खून निकाला जा रहा है, कभी नस नहीं मिल रही है तो इंजेक्शन देके फिर निकाला जा रहा है, तो ये कुछ दवा ही उन लोगों ने मुझे चढ़ाई थी ताकि इससे थोड़ा बहुत मुझे कमजोरी कुछ फील हो रही थी, उन लोग बोल रहे थे कुछ कमजोरी या कुछ तो भी बोल रहे थे, तो उसमें जो भी रिपोर्ट में आया उसके हिसाब से आपको थोड़ा ये प्रोसीजर करने के बाद ही आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाएगा। और डॉक्टर भी अभी आने वाले थे क्योंकि इन लोगों ने बोला, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप डॉक्टर से पूछना, अभी हमसे आपने बहुत सवाल जवाब किया है, तो फाइनली यहाँ पर डॉक्टर आ चुके हैं जो मेरा ऑपरेशन करने वाले, फिर इनको भी मैंने आधा घंटे तक का सवालात किया, कम से कम आधा घंटा किया क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही फास्ट स्पीड कर दिया है, और आधा घंटा सवाल जवाब करने के बाद ही उन मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंट उन्होंने दिलाया कि तुमको कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तुम ब्रेव गर्ल हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। और मैं डॉक्टर को पूछ रही थी कि डॉक्टर सर मैं आऊँगी कि नहीं वापस लौट के, तो डॉक्टर बोलते अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं आओगी, बोले आप टेंशन मत लो, आप को ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं, हमारे सब टीम है यहाँ पर, हम जो हिसाब से आपको इलाज करने के लिए लाए हैं तो हम भी चाहते हैं कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो के आप लौट के आओ, और 100% आप आओगे आओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ नहीं होगा आपको, उन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत ताकत बहुत दिला रहे थे, और आधा घंटा मुझे समझाया, ये तो कैप्चर हमने कर लिया जितना करना है, फिर भी इसमें मैंने काफ़ी स्पीड फॉरवर्ड किया है वीडियो, आप देख रहे हो। और बेचारे ने डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत 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 हिम्मत और ताकत दी, और उसके साथ साथ मेरे सारे फैमिली मेंबर्स सब लोगों ने मुझे ताकत दी, और फाइनली ऑपरेशन होने के पहले डॉक्टर ने मुझे काफ़ी समझाया, क्योंकि अभी हम कुछ टाइम बाद ही ऑपरेशन के लिए जाने वाले थे, क्योंकि इमरजेंसी हो चुकी थी, वो डॉक्टर बता रहे थे मुझे कि इसमें आपके MRI में आया है काफ़ी ब्लड क्लॉट बढ़ चुका है और आपको आज ही ऑपरेशन कराना होगा, तो उन लोगों ने सारी अपनी टीम को बुला लिया है, तो आप टेंशन मत लेना आज ही आपका ऑपरेशन होगा, ये सब मुझे बोल रहे थे डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला ओके डॉक्टर साहब आपने जब इतना बोला है तो मैं अभी टेंशन नहीं लूँगी, और मैंने उनको थैंक यू बोला और वो चले गए, और बस ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटी उन्होंने बोला पूरी कर लो, तो पूरी 9 की 9 साइन हो चुकी थी, टोटल 10 साइन चाहिए थी जिसमें से 10वीं साइन मम्मी कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी आप सबको पता है कि बाद में आए हैं, हम लोग सब पहले पहुंचे थे, और काफ़ी लोग जो थे वो कोई कोई गाड़ी से आया है, जैसे जिसको मैं भाई मानती हूँ उन लोग गाड़ी से आए थे,
और मैं जो थी बस से आई थी। और तो चलिए अभी बस इन लोगों ने बोला कि बीपी वगैरह लास्ट चेक करके अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे, तो बस इतना ही। और इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो मिलेंगे दोबारा, और आप लोग मेरे लिए जरूर दुआ करना। ये वीडियो मैं जाने के पहले ऑपरेशन थिएटर में रेडी कर चुकी हूँ ताकि आप लोग बाद में मेरा वीडियो मेरा हो नहीं रहूँ तो आप लोग देख पाओ। तो चलिए बस इतना ही, आप लोग एक दुआ जरूर करना कि अल्लाह ऐसा दिन कभी किसी को अपनी जिंदगी में ना दिखाए।